हेलो एवरीवन, तो आज बात करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स की। तो जितने भी केमिकल्स कॉमन सॉल्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला केमिकल जो कॉमन सॉल्ट से बनता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। तो इसको प्रिपेयर इस टाइप से किया जाता है, जब हम NaCl को यानी कॉमन सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, और उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे हमें NaOH मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जो क्लोरीन गैस रिलीज होगी वो एनोड पे होगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे रिलीज होगी। तो इसकी रिएक्शन हो गई 2NaCl + 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव्स 2NaOH + Cl2 + H2, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन लिबरेट हो रहा होता है और साथ में NaOH, ठीक। तो क्लोरीन से आया क्लोर और NaOH क्योंकि एल्कली है तो एल्कली आया NaOH से। तो जो यहाँ से NaOH हमें एज अ प्रोडक्ट मिला, उसको हम यूज करते हैं मेटल्स की डिग्रीसिंग के लिए, सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में उसका यूज होता है, पेपर बनाने में उसका यूज होता है, पेपर मेकिंग में उसका यूज होता है, ठीक। इसी टाइप से जो यहाँ से क्लोरीन लिबरेट होती है वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, पीवीसी बनाने के लिए यूज होती है, पेस्टिसाइड में यूज होती है और एज डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं उसको। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो एज अ प्रोडक्ट मिलती है हमें, उसको हम यूज करते हैं एज फ्यूल। और जो फर्टिलाइजर्स में अमोनिया यूज होती है उसको बनाने के लिए भी हम यहाँ से जो हाइड्रोजन हमें मिली है उसका यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा पिछला प्रोसेस था, जो था हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो वहां पे हमने सॉल्ट को डायरेक्टली रिएक्ट करवाया था वाटर के साथ NaOH बनाने के लिए, तो वहां पे साथ में क्लोरीन भी लिबरेट हुई थी। तो अब उस प्रोसेस की क्लोरीन को हम यहाँ पे यूज करते हैं अपना नेक्स्ट केमिकल को बनाने के लिए, जो है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। तो कॉमन सॉल्ट से हम डायरेक्टली भी कुछ केमिकल्स बनाते हैं और इनडायरेक्टली भी कुछ केमिकल्स बनाते हैं। तो जो अब हम केमिकल्स देखेंगे उनकी प्रिपरेशन में जो कॉमन सॉल्ट है वो डायरेक्टली ना इन्वॉल्व होके इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल की जो हमें कॉमन सॉल्ट से इनडायरेक्टली मिलता है, तो वो है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है और जो इसका केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक। तो हम ड्राई स्लेक लाइम की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ जो हमें पिछले प्रोसेस से मिली थी, ठीक है। ड्राई स्लेक लाइम हो गया हमारा CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन हो गया प्लस Cl2। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलता है CaOCl2 जो कि हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और साथ में हमें वाटर भी मिलता है। तो इस टाइप से हम ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक। तो अगर बात करें अब इसके यूजेस की, तो इसको यूज किया जाता है कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इट इज यूज इन कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। तो किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसको यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। यूज एज डिसइंफेक्टेंट टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो इसको हम वाटर में भी यूज करते हैं ताकि हम उसको जर्म से फ्री कर सके, ठीक है। जितने भी जर्म्स होंगे उसको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ठीक। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट केमिकल की जिसको हम कॉमन सॉल्ट यूज करके बनाते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और ये बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। केमिकल नेम जो होता है इसका वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया एक साथ रिएक्ट करवाते हैं और ये सब आपस में रिएक्ट करने पे बनाते हैं NH4Cl जो कि हमारा अमोनियम क्लोराइड और साथ में मिलता है NaHCO3 जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। तो अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जो इसका पहला यूज है वो है इट इज यूज फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ास। तो जो आप स्वादिष्ट पकोड़ों का मजा लेते हो उसको बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा यूज होता है। दूसरा है इट इज यूज एज एंटा एसिड, तो अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो उसको कम करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम एंटा एसिड बोलते हैं जो एसिडिटी को या एसिडिक चीज को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। अगला है इट इज यूज इन सोडा एज फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है फायर को बुझाने के लिए। और जो अगला यूज है इसका वो है इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक फ्लफी, ठीक है। तो जो ब्रेड और केक को फ्लफी बनाने के लिए केमिकल यूज होता है वो बेकिंग सोडा ही यूज होता है।
तो अभी जिस प्रोसेस से हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला यानी बेकिंग सोडा मिला, उसको अगर हम हीट कर दें फर्दर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, तो अब इस सोडियम कार्बोनेट को हम यूज कर सकते हैं अपना नेक्स्ट केमिकल बनाने के लिए। तो नेक्स्ट केमिकल है हमारा वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम है और जो इसका केमिकल नेम है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसको बनाने के लिए जो हमारे पास पिछली रिएक्शन से सोडियम कार्बोनेट मिला था उसका यूज करेंगे हम। तो हम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे 10H2O के साथ यानी वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा Na2CO3.10H2O जो कि हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका पहला जो यूज है, इट इज यूज इन ग्लास पेपर एंड सोप इंडस्ट्री। तो इसको ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और सोप इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज है वो है इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड्स। तो सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड इसको यूज करके बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो बोरेक्स होता है वो भी इसी का यूज करके बनाया जाता है। अगला जो यूज है इसका, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक, तो जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको भी रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट केमिकल है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका कॉमन नेम है और जो इसका केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिप्सम, उसको अगर हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो वो ब्रेक डाउन होके बना लेता है POP, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, और बाकी जो वाटर बचा वो अलग हो जाता है। तो अगर इस रिएक्शन से जो हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिला, जो कि हमारा POP था, उसको अगर हम ऐसी जगह पे रखें जहां पे उसको आसानी से वाटर मिल जाए या वो मॉइस्चर उसको मिल जाए, तो वो उसके साथ कंबाइन होके जिप्सम बना लेगा दोबारा से, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है और फिर वो उतना यूजफुल नहीं रह जाएगा। तो अब बात करते हैं पीओपी के यूजेस की। तो जो इसका पहला यूज है वो है इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव आइटम्स। ठीक है, तो टॉयज और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के काम में आता है। दूसरा, इट इज यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो जब फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर करने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। अगला जो है, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्मूथ सर्फेसिस। तो जो अगला यूज है इसका वो ये कि ये स्मूथ सर्फेसिस बनाने के काम में आता है। फॉल्स सीलिंग बनाने के काम में भी आता है, जो कि बहुत डेकोरेटिव लगता है। तो इसी के साथ आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।